अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ले चलेंगे बिरादम जनूबी अमेरिका में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क। यहाँ आपको दुनिया की बहुत सी बुलंद तरीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोशिश होगी 5 मिनट के अंदर आपको इस मुल्क की बसरी सैर करवाने के अलावा इसके मतलब आपके साथ अहम मालूमात भी शेयर कर सकें। वीडियो को यहीं पर ही लाइक कर दें और अच्छी लगे तो 2-4 अल्फाज का कमेंट भी कर दिया करें। वो मुल्क जहां दुनिया की बुलंद तरीन झील, बुलंद तरीन शहर, मुल्क के 2-2 दारुल हुकूमत और जहां 37 जुबानें बोली जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं बोलीविया की, जो जनूबी अमेरिका में मौजूद एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, यानी इसे कोई भी समंदर नहीं लगता। इसकी ज़मीनी सरहदें ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और चिली से मिलती हैं। बोलीविया का मुकम्मल नाम द प्लूरी नेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया है। 10,98,581 मरबा किलोमीटर पर फैला बोलीविया रकबे के लिहाज से दुनिया का 28वां और जनूबी अमेरिका का 5वां बड़ा मुल्क है। बोलीविया की आबादी लगभग 1,23,00,000 है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 81वां और जनूबी अमेरिका का 8वां बड़ा मुल्क है। बोलीविया की करीब 70% आबादी शहरों में और 30% देहात में आबाद है। बोलीविया की पापुलेशन डेंसिटी 11 लोग/मरबा किलोमीटर बनती है, क्योंकि आबादी के तनासब से इसका रकबा काफ़ी ज़्यादा है। बोलीविया का कॉलिंग कोड +591 और डोमेन नेम .bo है। ट्रैफिक यहाँ दाई साइड पे चलती है। बोलीविया की 87% आबादी ईसाई मज़हब से तल्लक रखती है, 10% का कोई मज़हब नहीं, और बाकी की 3% आबादी में मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध मत, बहाई और यहूदी वगैरह शामिल हैं। बोलीविया के 2 दारुलहुकूमत हैं, लापाज और सुक्रे। लापाज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जबकि सुक्रे कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल। बोलीविया में कुल 37 जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान स्पेनिश है। इंग्लिश बोलने या समझने वाले यहाँ बहुत ही कम लोग मिलते हैं, इसलिए टूरिस्टों को यहाँ पर ज़ुबान के हवाले से ज़रा दिक्कत हो सकती है। बोलीविया एक पुरअमन मुल्क है जिसके पड़ोसी और बाकी के ममालिक से भी बहुत अच्छे मरासम हैं। बोलीविया में बहुत कुछ बुलंदी पे देखने को मिलता है। दुनिया की बुलंद तरीन झील भी यहीं पर है और दुनिया का सबसे ऊंचा शहर भी। शायद आपने टिटिकाका झील का नाम सुना हो। सतह समंदर से 12,507 फुट की बुलंदी पर वाक़े ये पीने के साफ ताज़ा पानी की दुनिया की बुलंद तरीन झील है, जो बोलीविया में वाक़े है, जिसे देखने दुनिया भर से सयाह बोलीविया आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़ोन के बारे तो आप जानते ही होंगे। अमेज़ोन जंगल का तकरीबन 7.7% हिस्सा बोलीविया में आता है, जहाँ अनवा व अकसाम के जानदार पाए जाते हैं। बोलीविया की तारीख काफ़ी पुरानी है और बावर किया जाता है कि बोलीविया जनूबी अमेरिका की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। यहाँ की तहजीब, कल्चर और टेस्ट भी दूसरों से अलग है। आज भी इस मुल्क में कुछ ऐसे कबाइल मौजूद हैं जिन्होंने मॉडर्न ज़िंदगी को अभी तक भी नहीं अपनाया, बल्कि वही पुरानी जंगली ज़िंदगी बिता रहे हैं। उन्हें जंगलात से बाहर की दुनिया से कोई गर्ज नहीं कि वो क्या कर रही है। बोलीविया का शुमार जनूबी अमेरिका के गरीब ममालिक में होता है। यहाँ की करीब 37% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, जिसमें से 11% इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सूअर का गोश्त खाने वाले लोग बोलीविया में मिलते हैं और यहाँ के सूअर का गोश्त खिंजीर डकारने के शौकीनों में बहुत मशहूर भी है। बोलीविया की करेंसी बोलीवियन बोलीवियानो है। एक बोलीवियानो की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 41 रुपए, इंडियन करेंसी में 12 रुपए, बांग्लादेशी करेंसी में 16 टका और अफगान करेंसी में 12 अफगानी है। बोलीविया की कुल जीडीपी $45 अरब और सालाना फी कस आमदनी $3,800 है। बोलीविया में शादी की अमूमी उम्र तो 21 साल है, ताहम वालदेन की इजाज़त से यहाँ लड़के 16 साल की उम्र में और लड़कियाँ 14 साल की उम्र में भी शादी कर सकती हैं। बोलीविया में लिटरेसी रेट तकरीबन 94% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बोलीविया अफगानिस्तान से 8.5 घंटे पीछे, पाकिस्तान से 9 घंटे, इंडिया से 9.5 घंटे और बांग्लादेश से 10 घंटे पीछे है। बोलीविया का फासला बांग्लादेश से 17,165 किलोमीटर, इंडिया से 16,034 किलोमीटर, पाकिस्तान से 14,991 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 14,781 किलोमीटर है।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कोई सजेशन कोई कमी बेशी हो तो भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।